आज मैं बहुत ही कमाल का किचन टिप्स लाए हैं फ्रेंड्स। तो जब हम इस तरह का दाल अपना घर में लाते हैं और स्ट्रोक करते हैं तो अच्छे समय तक से रखने के बाद इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो इसे कैसे बचाएं फ्रेंड्स, तो इस तरीके का हम सूखा डब्बा लेंगे और उसमें इस तरीके का सूखा मर्चा तो हमारे घर में किचन में होता ही है, तो उसमें हम डाल देंगे। और इस तरीके के जब माचिस खाली डिब्बा हो जाता है तो उसे भी हम जितना क्वांटिटी में अपना दाल रखना है आपको उतना इसमें सलाई की माचिस की डिब्बी डाल दीजिए और एयर टाइट डिब्बा में, एकदम सूखा डिब्बा में रखिए फ्रेंड्स। तो ये आपकी दाल बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और ये लंबे समय तक से एकदम अच्छा रहेगा और इसमें कीड़ा भी नहीं पड़ेगा। तो इस ट्रिक से आप अपने दाल को अच्छी रख सकते हैं। तो चलिए अगला टिप देखते हैं। तो जब हम मार्केट से जीरा धनिया लाते हैं फ्रेंड्स, तो इसे हम इसी तरह डिब्बे में रख देते हैं। तो उसमें एकदम बारीक छोटी छोटी कण जो रहता है वो हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो वो हमारे शरीर में बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसे हम कैसे रखें, तो इस तरीके के छन्नी लीजिए और उसमें हम इस तरीके से इसे छान लेंगे और एकदम इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, ये बारीक कण जो होता है इस तरीके से हमारे सब्जी में चली जाती है। तो आप इस तरीके से धोने के बाद इसे छान दीजिए और उसके बाद डिब्बा में रखिए, या धनिया हो या जीरा हो, तो ये एकदम साफ़ हो जाएगा और इस स्टिक से आप अपने मसालों को स्वच्छ रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरा तीसरा टिप देखते हैं। तो जब ये हम चाय पत्ती लाते हैं फ्रेंड्स, तो नीचे का जो चाय पत्ती होता है तो छानने के बाद कप के नीचे में आ जाता है, तो उसे भी देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के छन्नी में इस तरीके के हम छान देंगे। तो जो एकदम में ही जो होता है जो चाय के साथ हमारे कप में आ जाता है तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप छान कर और उसके बाद आप चाय को स्टॉक करें, अपना डब्बा में रखिए। तो ये आप जब भी चाय दीजिएगा किसी को तो उसमें जो बारीक कण होता है वो नहीं जाएगा और ये एकदम मोटा वाला अलग हो जाएगा और पतला वाला अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से छान कर आप रखिए। तो ये मेरी टिप्स आपको कैसी लगी, अगर ये मेरी टिप्स अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।